रत्नाकर का पाठ पद संख्या 454। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी वस्तु सर्वथ जान, जब जैसे जी चाहे बरसो अपनी वस्तु सर्वथ जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात, मेरा कुछ भी रहा ना अब तो तुमको सब कुछ पूरा क्या, कुछ भी अब तो तुमको सब कुछ पूरा क्या, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा ना कुछ संबंध, मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा ना कुछ संबंध, केवल मोक्ष हो तुम ही केवल मेरे बंद, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नेत, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नेत, रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर, छूटे सभी अन्य आश्रय अब मिटे सभी संबंध अनित्य, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ
हुआ विसर्जित सब संसार। कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहिक स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। प्राण तुम्ही को सौंप दिए ममता अभिमान। मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए ममता अभिमान। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य भैया को प्रणाम। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त की चर्चा। पूज्य श्री राधा बाबा अपने भाई तारादत्त जी को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में बाबा कहते हैं, भैया आपका पत्र मिला। तारादत्त जी से कहते हैं अपने भाई से कि भैया आपका पत्र मिला, आपके अंगूठे में चोट लगने का मुझे समाचार भी प्राप्त हुआ। भैया भगवान कष्ट देते हैं उससे अनंत गुना सुख देने के लिए। भैया भगवान कष्ट देते हैं उससे अनंत गुना सुख देने के लिए। वैसे प्रारब्ध का फल तो होकर ही रहता है, टाला नहीं जा सकता, परंतु भगवान प्रारब्ध भी ऐसा ही संगठित करते हैं जिसमें यदि घोर दुख आए तो उसके पश्चात सुख भी अधिक मात्रा में मिले, सुख भी अधिक मात्रा में मिले। भैया मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि निरंतर भगवान का ही स्मरण किया जाए। त्रिकालज्ञ सत्यवक्ता श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जितने भी विधि निषेधात्मक शास्त्र वचन संत वाणियां हैं सबका अंतर्भाव मात्र इसी बात में है कि निरंतर भगवान का स्मरण किया जाए एवं उनका एक लव मात्र भी विस्मरण ना किया जाए। भैया हम लोगों ने अनंत जन्म ग्रहण किए हैं, अनंत शरीरों के अनंत परिवार बनाए हैं और बिगड़े भी हैं परिवार। अनंत बार मेरा तेरा कहकर प्राणियों को मोह जाल में फांसा है और सबको छोड़ा भी है। आज उन सभी की हमें स्मृति भी नहीं है,
हमारे पूर्व जन्म के परिवारों की हमें किसी को स्मृति नहीं, परंतु भगवान के संबंध में सभी शास्त्र एवं संत समुदाय एक मत से यही कहते हैं कि वे जिसे एक बार भी अपना लेते हैं फिर उसका परित्याग नहीं करते। किसी भी जन्म में एक बार भी सच्चे हृदय से हमने भगवान को मेरा कहकर वर्ण नहीं किया अभी तक। किसी भी जन्म में हमने एक बार भी भगवान को मेरा कहकर वर्ण नहीं किया। अगर ऐसा कह लिया होता तो सच कहता हूँ वाचक शरणागति भी भगवान स्वीकार करते हैं। अगर कोई एक बार यूँ कह दे नाथ मैं आपका हूँ, चाहे झूठे ही मन से, तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे। आज तक हमने वाचक शरण भी भगवान की नहीं ली है पूर्व जन्म में, इसलिए ये जन्म हमारा एकत्र हुआ है यहाँ पर। श्रीमद् भागवत में राजा मुचकुंद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राज ऋषि, भैया वाचक शरण भी हमने पूर्व जन्म, किसी भी जन्म में एक बार भी सच्चे हृदय से हमने भगवान को मेरा कहकर वर्ण नहीं किया अभी तक। हमने भगवान को अपना कहकर वर्ण नहीं किया। तो भगवान राज ऋषि मुचकुंद जी से कहते हैं, हे राज ऋषि, कोई भी श्रेष्ठ वर मांगे मुझसे, मैं आपकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर सकता हूं और जो भी आपकी इच्छा होगी वह वर आपको दूंगा। मेरे शरणागत व्यक्ति को कभी किसी भी चिंता का पात्र होने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हमने अपने पूर्व जन्मों में कभी भगवान की मात्र वाचक शरण भी ली होती तो आज हमारी यह दशा कदापि नहीं होती। हम पर भगवान दया अवश्य करते और अपनी असीम अनुकंपा से हम सभी शोकों को पार कर गए होते। जैसे सूर्य के सन्मुख हुआ प्राणी कभी भी प्रकाश और गर्मी से वंचित हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार यदि हम एक बार भी भगवान के सन्मुख हो गए होते निश्चय ही वे हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते। इसलिए इस बार हमें जो मानव जन्म मिला है अब उसमें गफलत ना करें। अपने भाई से कहते हैं पूज्य बाबा कि इस बार हमें जो मानव जन्म मिला है अब उसमें गफलत और भूल नहीं करें। इस मानव जन्म में हमें अपने हृदय की संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने आप को भगवान के चरणों में डाल ही देना है। सच्ची एवं उत्कट चाह लेकर हमें ऐसा करना ही है। प्रभु बड़े कृपा में हैं, वे जब देखेंगे कि इसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे पकड़ लिया है और इसकी नियत शुद्ध है तो हमारी चाह का प्रतिबिंब उन पर अवश्य पड़ेगा ही। हमारी चाह का प्रतिबिंब उन पर अवश्य पड़ेगा। हमारे ऐसा करते ही उसी क्षण उनकी कृपा शक्ति हमारी सारी बाधाएं हटा देगी और हमें आत्मसात कर लेगी। हम तत्क्षण अपने को उनके चरणों में अत्यंत निकट पाएंगे। उस दिन पूज्य बाबूजी भी यही कह रहे थे कि भक्त में ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है भगवान को पाने की कि भक्त की व्याकुलता 1% और वो 1% भगवान के उधर 60% बना देती है, भगवान में व्याकुलता उत्पन्न कर देती है। तो भगवान जितनी तेजी से चल के हमारी तरफ आएंगे हम उतनी तेजी से नहीं चल सकते, तो हमें तो 1% ही करना है। 1% का भी तुम 1% लगा लो, उतना ही करना, सिर्फ चाह करनी है भगवान की। स्वामी जी महाराज कहते हैं केवल भगवान ही एक ऐसे हैं जो इच्छा करने मात्र से मिलते हैं। कि आपने भगवान की इच्छा कर ली। एक जगह तो स्वामी जी ने कहा है, भाई एक श्लोक है ना, स्मरण मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण, वो वाला श्लोक है। तो स्वामी जी ने बोला कि केवल भगवान ऐसे जो स्मरण मात्र से, आपने भी स्मरण किया, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान प्रसन्न हो गए महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए हमसे।
हमें लगता है कि हमने साधारण सी कोई बात बोली है, पर ये बहुत असाधारण बात है। भगवान बड़े राजी होते हैं, स्वामी जी बड़े चाव से बोलते हैं, भगवान को राजी करना हो बस याद कर लो उन्हें, केवल उन्हें याद कर लो, स्मरण कर लो बस उन्हें कि नाथ मैं आपका हूँ, नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं। स्वामी जी ने कहा नाम जब से भी तेज है ये साधन जिसमें आप स्मरण करते हैं भगवान को, एक बार हर 5 मिनट में कहते रहे हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हमने एक ऐप डाउनलोड करी थी भैया। अच्छा जीव कितना तेज है, स्वामी जी ने कहा था हमें हर 5 मिनट में याद करने के लिए, हमने स्वामी जी को ही लगा दिया उसमें अलार्म में, हर 5 आधे घंटे में स्वामी जी बोलते हैं हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। वो भी ठीक है क्योंकि भैया हर आधे घंटे में स्वामी जी की वाणी सुनने को मिल रही है, उसमें से आवाज आई है हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, तो हमें भी बोलना ही पड़ेगा। जब स्वामी जी बोल रहे हैं तो हमें भी, हमारे भी मन से निकलता है हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं स्मरण मात्र से भगवान राजी होते हैं। आज एक बात और पढ़ी उनकी पुस्तक में, स्वामी जी की पुस्तक में, स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हम लोगों को भगवान की प्राप्ति का अधिकार ये मिला है, जन्म सिद्ध अधिकार मिला है कि इसके हम अधिकारी हैं। जैसे बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का अधिकार होता है, ऐसे भैया ठाकुर जी पे हमारा अधिकार है, ठाकुर जी पे हमारा अधिकार है कि हम उनकी प्राप्ति करें, उनके दर्शनों को प्राप्त करें। तो स्वामी जी ने कहा कि बस आप ये चाह लो, कह रहे कि भगवान तो हमारे भीतर बैठे, पर भीतर बैठे हुए भी भगवान काम नहीं आते जब तक उन्हें हम याद नहीं करेंगे। जब तक हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो भीतर बैठे हुए भगवान भी काम नहीं आते। तो स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, भैया भी एक बार सुना चुके हैं कई बार वैसे यहाँ, कि एक डॉक्टर ने एक से कहा गाय थोड़ी बीमार पड़ गई, तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई काली मिर्च और देसी घी, गाय का घी और ये थोड़ी सी दवाई मिला के गाय को देसी घी में मिला के पिला देना तो गाय ठीक हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वो काली मिर्च और वो पुड़ी ऐसी ली और वो सीधी मुंह में और पानी घेर दिया, करे घी तो भीतर है ही। भाई मेरी गाय रोज का एक पाव घी निकालती, उसका दूध आता, घी तो भीतर है ही। तो भीतर बैठे हुए भगवान भी काम नहीं आते, भीतर बैठे हुए। बड़ी गहरी बात थी भैया उसमें, स्वामी जी जब समझाए, जब स्वामी जी को पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है यार कितनी गहरी बात है, संत लोग सोच लेते हैं। अब कई लोग कह देते ना कि हमारा तो भीतर चल रहा है जी, सब सांप बढ़ गया बिल में, बाबा हमारे दिल में। आलू ले लो गोभी ले लो बाबा मने गोदी ले लो, तो बाबा तो हमारे दिल में है, तो भाई दिल से बाहर निकाल ले थोड़ी देर, थोड़ा सामने रख के तब याद कर भगवान को। ये बड़ा आसान हो जाता कहना, क्योंकि जब भैया सत्संग की अधिकता हो जाती है ना तो जीव के पास बहुत तर्क होते हैं कि अच्छा ऐसा कह रहे हैं तो मेरे पास ये भी है इसका उपाय, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। सत्संगी व्यक्ति के साथ एक बहुत खास बात होती है कि उसे अपने पास कुछ होता है, उसके पास खाली नहीं होता, इसलिए वो सीख नहीं पाता। सही बता रहा हूँ भैया, आप किसी को भी सुनाओगे या मेरे को आप सुनाओगे सत्संग, तो मैं बीच बीच में ही सोचता ना अच्छा ये वाला जो सिद्धांत ने गलत बोला है, ये वाली बात है ना वो थोड़ी गलत है, कांट छांट चलती रहती है, गांठ छाट चलती रहती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे खाली होकर के बैठो, सत्संग तब समझ में आता है जब हृदय खाली होता है। हमें कुछ नहीं आता जी, हम निरे गवार हैं, तब जाके सत्संग में बैठोगे तब बात समझ में आएगी, नहीं तो ये वाली कथा सुन रखी है हटा। ये नहीं सुनूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा आपस में। तो मन बार बार हटा देता है, जबकि सेठ जी ने कहा जब कोई बुरा विचार आए तब कहना चाहिए साधक को मुझे ये नहीं चाहिए। जब भी कोई विचार, गंदा विचार आए, बुरा विचार आए, नाथ मैं इसको नहीं चाहता हूँ, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बार बार ऐसा कहते रहो। ये संतों की युक्तियाँ हैं। मन में कोई विचार आए, सेठ जी का तो मूल मंत्र था अड़ंग बड़ंग स्वाहा, जब भी कुछ इधर उधर की बात मन में आती थी अड़ंग बड़ंग स्वाहा। हमारे क्या होता है, हमारे मतलब मेरे, जब भी कोई बुरा विचार आता है
आड़ंग बड़ंग आह अड़ंग बड़ंग आह उसे पोषित करते हैं। भैया मैं एक संत बता रहे थे, कहते कि हमारे मन में अगर कुछ गलत बात आती है तो हम उसको पोषण कर देते हैं, जबकि उसको क्या करना था, उसी टाइम चांटा मारना था। सांप फन उठाए तभी थप्पड़ मार दो। संतों की बड़ी खास बात है, सांप फन उठाए तभी थप्पड़ मार दो, नहीं उठेगा फिर दोबारा। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमें क्या करना है, अड़ंग बड़ंग स्वाहा करना है, आह नहीं करना है, उन चीजों को पोषण नहीं देना है। आज कुछ भक्त चर्चा कर रहे थे बिग बॉस कौन जीतेगा। मैं क्या यार, ताल्लुक क्या है हमारा इन चीजों से, हमारा इन चीजों से विचार क्या है, इन सब चीजों की चर्चा क्यों करनी है, किस लिए करनी है। अगर समय पास नहीं हो रहा है तो कुछ और चर्चा कर लो, लेकिन ये चर्चा ना हो। कई बार क्या होता है, फेसबुक पे जब हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, न्यूज़ आ जाती हैं। साधक, एक साधक तो यही कह रहे थे ये जनरल नॉलेज है, मैं ऐसी जनरल नॉलेज ना लो तो अच्छा है। कई बार आता है, जैसे मैं भी देखता हूँ तो फेसबुक पर कई चीज़ें आती रहती हैं, ये आ रहा है, आ रहा है। अगर मान लो मन अटक भी गया ना एक बार को देखने के लिए, थोड़ी देर में पछतावा होता है कि यार इतना समय मेरा व्यस्त व्यर्थ चला गया, इतनी देर में थोड़ा भगवान का नाम लेता है, कुछ भगवान के विषय में सोचता। और भैया एक संत ने लिख के दी थी चार बातें, वो मैं भेजूंगा, मेरे को याद नहीं है। उन्होंने कहा था संत के पास बैठ करके ये चार बातें कभी नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी संत के पास हो, संत करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। संत हमसे हंसी मजाक करें यह हमारा सौभाग्य है, और हम संत के कंधे पर हाथ रख के हंसी मजाक कर दें फिर ये दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने लिखी थी चार बातें, मैं भेजूंगा आज सबको, व्हाट्सएप पढ़ लेना। कहीं तो अंगद जी का मैसेज आई स्पाइस। तो बाबा कहते हैं अपने भाई से कि भैया इस बार जो हमें मानव जन्म मिला है, अब उसमें गफलत और भूल नहीं करें। इस मानव जन्म में हमें अपने हृदय की संपूर्ण शक्ति लगाकर अपने आप को भगवान के चरणों में डाल ही देना है। सच्ची एवं उत्कट चाह लेकर हमें ऐसा करना ही है भैया। प्रभु बहुत कृपा में है, वे देखेंगे कि इसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे पकड़ लिया है। इसकी नीयत शुद्ध है तो हमारी चाह का प्रतिबिंब भगवान पर अवश्य पड़ेगा, उनके मन में भी हमसे मिलने की चाह उत्पन्न होगी। हमारे ऐसा करते ही उसी क्षण उनकी कृपा शक्ति हमारे जीवन की सारी बाधाओं को हटाती चली जाएगी। हम तत्क्षण अपने को उनके चरणों के अत्यंत निकट पाएंगे। संतों का एक मत है कि मन की मलिनता ही भगवान के प्रति सच्ची चाह उत्पन्न नहीं होने देती। हमारा मन शरीर एवं इंद्रियों के क्षण भंगुर भोगों में ये जो लगा हुआ है, यही उसकी घोर मलिनता है और यही भगवान की सच्ची चाह उत्पन्न करने में बाधक है। भाई आज एक प्रसंग पढ़ा था कि हमारे और भगवान के मिलने में क्या बाधा है। गोरखपुर के एक सज्जन थे, पूज्य स्वामी जी का उन्होंने सत्संग सुना, तो स्वामी जी ने कहा भगवान आज ही मिल सकते हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया और सामग्री ले आए
कि आज भगवान से मुझे मिलना है, आज मुझे भगवान से मिलना है, और कहा कि एकांत कमरे में चले गए, पूजन सामग्री वगैरह सब ले आए कि आज भगवान आएंगे, भगवान मुझसे मिलेंगे, उनका आरती पूजन सब करूंगा मैं बढ़िया से। ऐसी कभी कभी सत्संग का बहुत गहरा असर पड़ता है। कभी देखना, सत्संग पूज्य राधा बाबा बड़े चाव से सुना करते थे, और जब भाई जी बोलते थे तो बाबा कहते हैं लेखनी में कि मुझे भाई जी के वाक्य वेद वाक्यों से भी ऊँचे नजर आते हैं जब भाई जी बोलते थे। एक ललिता बाई हुई, उन्होंने बाबा की बहुत निकट थी, बाबा उन्हें अपनी सुपुत्री मानते थे। ज़्यादातर समय बाबा, मतलब वो जो प्रसाद पाती थी ना, बाबा के साथ ही पाती थी, बाबा उन्हें अपने सामने बैठाकर प्रसाद पवाया करते थे। अच्छा, बाबा का नियम अपने पूज्य भैया जैसा ही था, प्रसाद पाने में 4 बज जाते थे रात्रि के, बाबा को कोई नियम नहीं था कि भैया इतने फिक्स समय खाना है, उनको जब इच्छा होती तब 2 बज रहे, 2:30 बज रहे, 4 भी बज रहे सुबह के। और ललिता बाई जी जो थी वो भी साथ में ही पाती थी, वो वाटिका में गोरखपुर में रहती थी, तो बाबा ने उनका भी नियम बना दिया था कि तुम मेरे साथ ही प्रसाद पाओगी मेरे सामने बैठकर। बाबा कहते मेरा मन तो ऐसा करता कि मैं तुम अपने हाथों से पवाऊँ। बेटी बेटी बोलते, कह रहे ललिता मेरी बेटी है, पर मेरा संन्यास का नियम है इसलिए मैं स्पर्श नहीं कर सकता। तुम एक बार तो आँख में चींटी घुस गई थी उनके, तो इतना कष्ट हो रहा था, वो बार बार मल रही थी और बाबा को इतनी पीड़ा हो रही थी कि मैं छू नहीं पा रहा हूँ इसे, इस बच्ची की आंख से मैं चींटी निकाल देता। कहा कि बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैं ना स्पर्श नहीं कर सकता, मेरा नियम है ये। तो उन्होंने आंख से मलकर खुद निकाली वो चींटी, पर बाबा को बड़ी पीड़ा हुई। ऐसे हमारे बाबा तो रात्रि को 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे ऐसे ही प्रसाद पाते थे। एक बार क्या हुआ, बहुत लेट हो गया। अच्छा क्या होता था प्रसाद पवाने के लिए, तो भाई जी की धर्मपत्नी अपनी पूज्य माँ आती थी, या पूज्य भाई जी की सुपुत्री आती थी सावित्री भाई जी प्रसाद पवाने के लिए बाबा को, और दोनों नहीं आती थी तो भाई जी आते थे प्रसाद की थाली लेकर। रात्रि के 2 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कितना ही समय हो रहा, भाई जी प्रसाद पवाएंगे अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो। सोचो कितना प्रेम होता संतों के मध्य। भाई जी थाली लेकर, एक बार 4 बज गए तो ललिता भाई जी बड़ी शर्म मान रही थी, क्योंकि भाई जी बहुत डांटते थे कि बाबा ना समय से प्रसाद नहीं लेते हैं। अच्छा, जिस दिन डांट देते थे 4 दिन तक नियम बढ़िया चलता था, एज यूजल जैसे अपने भैया का चलता है। तो 4 दिन तक नियम चलता और 5वें दिन फिर वही, तो भाई जी भी डांट डांट के थक चुके थे, तो नियम तो अपना वही चलता था, बाबा अपनी मस्ती में थे। तो ललिता भाई प्रसाद पाने बैठे 4 बजे, अब भाई को बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि भाई जी वैसे तो डांटते थे, आज जब 4 बजे भाई जी थाली लेकर के आए और प्रसाद रोटियां वगैरह सारी इकट्ठा लेकर के आए टोकरे में, और आकर के प्रसाद पवाना शुरू किया, और वो डर रही है कि भाई जी डांटे ना मुझे, ये तो है ही और तू भी 4 बजे ही प्रसाद पाएगी। तो पवाना शुरू किया, तो भाई कहती है ललिता भाई कि इतने प्यार से भाई जी ने प्रसाद पवाया जैसे माँ पवाती है, ऐसे एक एक रोटी पूछ पूछ के बेटी ये लेगी बेटी ये लेगी, करे कोई डांट नहीं मारी उस समय। ऐसे हमारे पूज्य बाबू जी, ऐसे हमारे पूज्य बाबा। भैया एक बार बारिश बहुत हुई थी वाटिका में, मेरे को स्मरण संस्मरण याद आते रह रहे तो इसलिए बता रहा हूँ, चरित्र भी सुना दूंगा बीच में कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ कि भैया बहुत तेज बारिश पड़ी उस समय, उस समय पावन कक्ष ऊपर नहीं होता था, नीचे ही भाई जी रहा करते थे भीतर की साइड, तो इतनी बारिश पड़ी कि भीतर तक पानी आ गया, बहुत ज़्यादा जल भर गया। उस समय ज़्यादा पक्का भी नहीं था, सब पीछे वाटिका जंगल पूरा था और इतना पानी भर जाता था, सांप वगैरह सब जानवर निकल आते थे बाहर अपने बिलों से। रात्रि के 2 या 12 या 2 से बीच का समय होगा, पानी भर गया भाई जी के कमरे में, भाई जी के कमरे में पानी भर गया, लाइट जा चुकी थी, सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाबूजी लालटेन लेके निकले पीछे जंगल की तरफ जहां कुटिया बाबा की थी, फूस की कुटिया थी उस समय, वहां पर पीछे गए तो देखा बाबा की कुटिया पूरी पानी से भर रखी है और तखत तैर रहा है,
उस तकत पे बाबा कैसे किसी ने तरीके से बैठे हुए हैं बेचारे चुपचाप बिना लाइट के। तब बाबूजी वो लालटेन लेकर भीतर घुसे तो बाबा को देखते ही बाबूजी के नेत्र भर आए। चलिए बाबा यहाँ अकेले मत बैठिए। सोचो सबकी अपनी चिंता थी पर भाई जी को बाबा की चिंता थी। रात्रि के समय गए फटाफट दौड़े दौड़े कि बाबा का क्या हाल हो रहा होगा, फूस की कुटिया में तो जली भर गया होगा सर। भाई जी साथ साथ लेकर के आए, यहाँ तक कंधे तक जल था बाबू जी के, इतना पानी भरा पड़ा था वहां पर। तो ये महापुरुष कैसे विलक्षण हृदय लेकर के पैदा होते हैं समझ नहीं आता है, कैसा विलक्षण भाव लेकर के जन्म लेते हैं महाराज। मैं कल बता रहा था ना कि महापुरुषों के स्पर्श की बड़ी महिमा है। महापुरुष जब स्पर्श कर देते हैं, बाई रुक्मणी बाई जी के जीवन में एक फूली बाई थी जो बड़ा गुस्सा करती थी, बाई अपने आवेग में रहती हैं, उनके यहाँ भी कीर्तन का कोई पद्धति नहीं थी भैया। रात्रि के 2 बजे मूड आ गया तो महिला संघ की बहनें एक साथ बैठ के दमा चौकड़ी मचा देती थी, कीर्तन चल रहा राधा नाम का कीर्तन। एक बाई थी वो कहती थी तुमने सेठ जी के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रखी, सेठ जी ने महिला संघ की स्थापना करी। और जब से राधा नाम का कीर्तन शुरू हुआ था बाई तो अपनी मस्ती में रहती थी, जब मर्जी घुंघरू बांध लेती थी नाचो खूब नाचते। जमुना जी का जल कमरे में भरी आया था, 15 बहनें उस कमरे में थीं और उसमें जल भरा हुआ था सारे में जमुना जल, और उसमें रास हुआ उस दिन पूरी रात। पूरी रात जब रास हुआ तो बाहर जो बहनें थी ना कमरे से, उन बहनों ने सुना कि बांसुरी सुनाई दे रही थी इस कमरे से, और पूरी रात पायल की आवाज़ आ रही थी। पायल की आवाज़ इसलिए आ रही थी कि बाई नृत्य कर रही थी उस रास में। और सब बहनें जब गेट खुला, सारी दीवारें भीगी पड़ी हैं और उसमें जल था कमरे में, जब बाहर वाली बहनें अंदर आई ना तो देखा जल सूख गया सारा 2 मिनट में। एक बहन ने तो जल डिबिया में भर लिया था जमुना जी का, कि सब जितनी बहनें बाहर से आएंगी उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दूंगी। उस डिब्बी को खोल के देखा जल गायब, जमुना जी का जल सारा गायब। तो ऐसी विलक्षणतम घटनाएं वहां पर घटती रहती थी, और इतना उत्साह था ना महाराज सत्संग कीर्तन में आने का। वहां पर जो महिला संघ में रहती थी बहनें वो तो रहती थी, पूज्य भैया आगे महाराज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म गति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्री नारदं प्रणमं। श्री राधा माधव रूपं माधव राधारूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा मेरे मनमाणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पार हरि प्रेम व्यास इतनो बड़े हो सखिना झूठन किया जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री लाडली। अलग से पुस्तक में भी एक है, वो कौन थी, बस थोड़ा दिया, बहुत थोड़ा। महापुरुषों का संकल्प अमोघ होता है, संतों का भगवान ऐसा करते हैं कि अगर उनके मन में कोई संकल्प आया, निसर्ग उसे पूरा करता है। दो उदाहरण, पूज्या रुक्मणी बाई, भागलपुर वाली बाई, नित्य नुकुंज में प्रिया प्रियतम बात कर रहे थे। उस समय कलयुग के प्रथम चरण में और कुछ महापुरुष होंगे, उनकी स्थिति बताई कि कलयुग में ऐसी स्थिति के जो रस घन वारिधि में इतना भीतर तक डूबे होंगे, लेकिन अपने उन सुंदर महान भावों का सर्वथा संगोपन कर लेंगे। और महापुरुषों में परम पूज्य बाबा का और परम पूज्य भाई जी का कि जब बात हुई, और निष्काम कर्म योग की बात होते हुए इस पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सेठ जी की बात हुई, तो तीन सखियां सुन रही थी और उन्होंने सुना तो उनके मन में आया, ऐसे संतों का तो एक सानिध्य हम भी देखें। तो प्रिया प्रियतम संतों की बात कर रहे थे। उस समय उन तीनों सखियों का वहां संकल्प होते ही, वह संकल्प सत्य संकल्प होता है, तो इस प्राकृत जगत में उन तीनों सखियों का आना हो गया। उन तीनों सखियों का आगमन हुआ, एक बलरामपुर में शिव मुक्तावली मैया, मुक्ता माँ, और एक का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता ही है कि महापुरुषों के रहते और उनके मना करने पे हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हम नहीं कहते। तीसरी थी परम पूज्या बाई, रुक्मणी बाई, भागलपुर वाली बाई। चरित्र रंगत जी ने सुनाया ये है, बाई का आना भी बड़ा अलौकिक था। पिताजी विवाह नहीं करना चाहते थे, भगवती के बड़े अनुष्ठान किए, कलकत्ते की महाकाली के दर्शन करने जा रहे थे, अनुष्ठान का समापन हुआ, मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और जैसे ही वो अनुष्ठान के समापन पे भगवती को, आद्याशक्ति माँ महादेवी को जब वो प्रसाद की और फूलों की डलिया लेते, उसमें प्रसाद खरीदते, तो छोटे रसगुल्लों को वहाँ रसमुनियाँ कहते हैं, तो वो रसमुनियाँ और लेके आते, जैसे ही वो महाकाली के मंदिर में, श्री मंदिर में प्रवेश करते, उसी समय एक वृद्धा सामने आके खड़ी हो जाती,
श्वेत वस्त्रों में, खुले बाल, एकदम बूढ़ी माँ। तो वो वृद्धा आती और उसमें से रसमुनिया निकाल लेती और उस रसमुनिया को खा लेती। बूढ़ी माँ है, रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, ऐसे कह के प्रसाद झूठा हो गया। माँ को निवेदित करना है भोग, उससे पहले ही ये इन्होंने उच्चिष्ट हो गया है, तो अभी तो निवेदित नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने दूसरा और प्रसाद का वो डलिया लेके आए, उसमें फूल थे और प्रसाद था। वृद्धा फिर आई, आके दरवाजे के रोक के खड़ी हो गई, फिर उसमें से रसमुनिया निकाले खा लिए। और जब तीसरी बार वो आए तो वृद्धा फिर आई, तो उन्होंने फिर ऐसे झूठा किया। तब उन्होंने कहा, माँ तुम बार बार झूठा कर देती हो, तुम्हें पाना है तो हम तुम्हें पवा देते हैं। मैं महादेवी के भोग के लिए ले जाता हूँ और आप उच्चिष्ट कर देती हो उनको, आप झूठन। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा मैं वही तो हूँ, पहचानो। और तत्काल उनके स्थान पे भगवती माँ जगदम्बा के उनको दर्शन हुए। भगवती ने उन्हें उसी समय कहा, जाओ विवाह करो और एक महान विभूति तुम्हारे घर जन्म लेगी। तो पूज्या बाई का वहां जन्म हुआ और भगवान की नित्य सखी सहचरी थी, एक से एक अलौकिक उनके जीवन के घटनाक्रम हैं। कोई किसी घर में कोई बालक था, वो किन्नर थी वो बालिका। भाई ने अपने साथ उसको भोजन कराया और उसे घर वालों को बोला, अब चिंता मत करो। फिर वो स्त्री रूप में परिणत हो गई, उसके मन में इच्छा स्त्री बनने की थी, तो स्त्री रूप में परिणत हो गई, उनका विवाह भी हुआ, कई संतानें भी हुई, अभी भी है उनका परिवार। भाई के एक से एक बार यमुना जी का आह्वान किया, शायद बेगूसराय घटना है, तो कक्ष में यमुना जी प्रकट हो गए, बाहर हल्का सा गीला भी नहीं हुआ, कक्ष में गए यमुना जी, सबने स्नान किया उसमें, हमें माताएं मिली वो जिन्होंने उसमें स्नान किया था। तो बहुत घटनाएं, भाई का तो जीवन ही पूरा। सेठ जी ने ये महिला संघ की स्थापना की, चंदाबाई ढांढनिया जी, इन्हें भाभी जी कहते थे। बाई को उन्होंने जैसे बाबूजी बाबा साथ रहते थे, तो पूज्य बाई के सदा साथ रहते थे भाभी जी। इतने धनाढ्य परिवार से थी कि भागलपुर में 7 चौक की हवेली थी, 20-20 दरबान हुआ करते थे, इतने बाग थे, कलेक्टर गवर्नर सब उनके घर में आते रहते थे, 20 नौकर हुआ करते थे। पता नहीं कितना 200-250 किलो कितना सोना बताया, क्या चीज़ मुझे ध्यान स्मृति में से उतर रहा है। बहुत बहुत मतलब इतना धन उनके पास था, ऐसा धनाढ्य परिवार। और तो भाभी जी वगैरह बड़े आध्यात्मिक थे, सेठ जी के सत्संगी थे। तो सेठ जी साल में एक बार भागलपुर आते थे बांकुड़ा से, फिर ऋषिकेश जाते थे स्वर्गाश्रम,
तो जब सेठ जी वहाँ गए तो भाभी जी के घर में भी उनके ससुर जी बड़े रसूख वाले थे, तो सेठ जी का स्वागत उन्होंने किया। तो सेठ जी को जब प्रसाद बांटते थे सेठ जी, तो सेठ जी तीन वस्तु ही ग्रहण करते थे। तो अब उन्होंने दही बड़ा बनाए, दाल के बड़े और दही में दही बड़े बनाए। अब एक सब्जी हो गई, एक रोटी हो गई, और वो क्या कोई अमरस या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो चौथी चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ होते ही सेठ जी चार चीज़ों को उनमें से पुतों पूछते, भाई चंदा इन में से आम से तीन में से कौन सी खाऊं और कौन सी छोड़ दूं। तो बोलती सेठ जी सब्जी तो रोज ही खाओ, सब्जी छोड़ दो, बड़ा सा रोटी खा लो। कोई मिठाई रख दी, से मान लो कोई हलवा बना दिया, दही बड़े रख दिए, और एक सब्जी हो गई, अब से ज़्यादा हो जाएंगे आइटम। तो उन्होंने बोला जैसे सेठ जी का बड़ा वात्सल्य था उस परिवार पे। अब सेठ जी ने बोला यहाँ एक काम करो, आप सब लोग सेठ जी को सत्संग का बड़ा ऐसा था कि सत्संग मूर्ति थे पूज्य सेठ जी। 12 से एक किसी ने प्रश्न पूछे, हाँ भाई आ जाओ सत्संग करो 12 से, अब तुम जाओ सो जाओ, 1 से 2 वाले सत्संग वाले आ जाओ, फिर 2 से 3 वाले आ जाओ, 3 से 4 वाले आ जाओ। फिर सेठ जी संध्या के लिए चले गए, फिर आए, फिर ठीक है अब तुम लोग आ जाओ। तो सेठ जी को ऐसे सत्संग कर लिया करते थे, इतना सत्संग का और भगवान से उनका प्रेम था। तो परम पूज्य सेठ जी ऐसे सत्संग में नहीं थके, वो वरना तो एक कॉमन सत्संग सबका होता था कि भाई सत्संग में जा रहे हैं सब लोग, लेकिन जब सत्संगों की बहुत भीड़ होती थी तो सेठ जी रात भी नहीं देखते थे, दिन भी नहीं देखते थे। ये था सेठ जी का सत्संग के प्रति लगाव। तो सेठ जी ने कहा यहाँ सत्संग करो, माताओं बहनों को माता बहनें सत्संग सुनाएं, एक सत्संग भवन बनाओ जिसमें माताएं उस सत्संग को चलाएं, कीर्तन करें, भगवान की बात करें। ऐसा सेठ जी ने आग्रह किया। तो एक जमीन देखी उनके ससुर जी ने, भाभी जी के ससुर जी ने, यही भाभी जी बाई को लेके आई थी, सेठ जी लेके आए थे बाई को उस महिला संघ में, और स्थापना की भाभी जी वगैरह उनके परिवार ने, सेठ जी संस्थापक हैं। तो भाभी जी, उनके ससुर जी ने बोला मैं देखता हूँ। अब वो जमीन देखी उन्होंने, अब जमीन देख के उन्होंने क्या किया, वो बात की जमीन के मालिकों से। तो उस समय वो जमीन उन्होंने ली, तो आधी जमीन ली, आदि एक पंडित जी ने ले ली। अब जब बाद में पैसों का बंदोबस्त हुआ तो उन्होंने कहा, पंडित जी से कहा कि ये जमीन भी आप हमें दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा भाई बहुत, यद्यपि चंदा भाई जो भाभी जी थे उनके ससुर जी बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, बड़े रसूख वाले थे, लेकिन विप्र ब्राह्मण ने जमीन ले ली। और वो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई बाबू मैंने तो रहने के लिए ली है जमीन, और अब मैं कैसे करूं, मेरे को तो बेचने का विचार नहीं है। अब सेठ जी इधर आए, सेठ जी को पता लगा इन लोगों ने जमीन ली, तो सेठ जी ने कहा जमीन ये कम पड़ेगी आगे सत्संग भवन के हिसाब से, जमीन ये वाला हिस्सा भी लो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो विप्र देवता ने, ब्राह्मण देवता ने ले ली, और वो कह रहे हैं कि और वो जमीन बेचने का विचार नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा। सेठ जी ने एक कंकर उठाया, कुछ बोला ऐसे ऐसे करके उछालने लगे, उस कंकर को ऐसे उछाला, उछालते वो कंकर उस वाली जमीन के हिस्से में चला गया।
सेठ जी ने बोला हाँ भाई बात है, मोटा मोटी आ जमीन 6 महीने में अपनी हो जैसी, 6 महीने में जमीन हमारी हो जाएगी, 6 महीने में हमारी अपनी हो जैसी। जैसे बोला तो उन्होंने पंडित जी साफ मना कर, भाई मैं यहाँ रहूँगा, मेरा अपना रहने का विचार है, मुझे बेचना नहीं। सेठ जी ने बोल दिया। अब भाभी जी इतनी खुश हो गई, उन्होंने बोला जमीन होगी 6 महीने बाद अपनी है। पर ससुर जी, उन्होंने पंडित जी से बात की थी, पंडित जी का दृढ़ निश्चय देख के उन्हें कोई उम्मीद थी नहीं। 2-3 महीने बीते, उन्होंने बोला भाई चंदा जमीन की तो कोई बात को नहीं। सेठ जी ने बोला 6 महीने में जमीन अपनी हो जैसी। तो बोले फिर उन्होंने बोला बाबू जी अभी 3 महीना बचेगा, 3 महीने बचे हैं अभी, तो 3 महीने तो निकले, अभी तो बहुत टाइम है, संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तब उन्होंने बोला जब 5 महीने चले गए 1 महीना बचा, तो उन्होंने बोला चंदा अब तो 1 महीना ही बचो, 1 महीना बचा। तो उन्होंने बोला अभी तो 1 महीना तो बहुत है, संत की वाणी कभी झूठी नहीं जाती। फिर उन्होंने बोला जब 15 दिन बीत गए, तो उन्होंने बोला हाँ अभी भी जमीन की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला अभी तो 15 दिन बचे हैं। फिर जब 1 सप्ताह रहा, तो बोला भाई जो 5.5 महीनों में नहीं हुआ, इस 7 दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अभी भी 7 दिन तो बहुत होते, 7 दिन में तो प्रलय आ जाती है बाबू जी। जिस दिन वो दिन आ गया जो 6 महीने का समापन का दिन, उस सुबह जब हुई तो उनके ससुर जी ने बोला आज पूरे 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तो जमीन तो अपनी नहीं हुई। तो सेठ जी ने जो पत्थर उछाला था वो, तो उन्होंने बोला बाबू जी अभी तो पूरा दिन बचा है, शाम को होते होते। तब उन्होंने कहा अभी, तो बोला अभी रात के 12 बजे, मतलब तारीख के हिसाब से गिन देते, तो अभी रात के 12 बजने में भी अभी भी 5 घंटे बाकी है। तो उनका तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कुछ हो सकता है। अचानक वो शाम का भोजन करके बैठे, एक सज्जन आए उनके घर में। आते ही उन्होंने कहा कि बाबू आपसे कुछ बात करनी थी। तो उन्होंने, उनके ससुर जी ने कहा हाँ बताओ क्या बात करनी। तो बोले पंडित जी हैं उनको आपसे बात करने में बड़ी संकोच है, और वो पंडित जी ने आपको मना कर दिया था, तो इसलिए अब आपसे किस मुँह से बात करें। पंडित जी का पिछले 1 महीने से बड़ा मन है कि ये ज़मीन आपको दे दें, क्योंकि पंडित जी को मिल गया घर काशी में, उनके जजमान ने उनको बना बनाया घर दे दिया। तो पंडित जी कह रहे मैं तो काशी वास करूँगा, अब तो काशी में मरूँगा, तो ये ज़मीन मेरे किस काम की, तो मेरे को मेरा। तो सेठ जी ने बोला मैं तो, उनके ससुर जी ने बोला मैं तो अच्छे रेट दे दूँगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं जो हमारी लागत थी बस उतना उतना दे दो। तो बड़े कलेक्टर वगैरह गवर्नर वगैरह सब जानकारी के थे, उन्होंने बुला लिया, बड़े अधिकारियों को बुला लिया। रात के 12 बजे तक जमीन सारी नाम हो चुकी थी, सारा काम हो गया। तो महापुरुषों का संकल्प वृथा नहीं जाता, ये बहुत बड़ी बात है, समझे आप। ऐसी सेठ जी की वाणी थी। जय हो, जय जय श्री राधे दाऊ दादा की। तो संकल्प ऐसे नहीं जाते, 6 महीने अगर बोल दिया तो 6 महीने हैं, भगवान उनकी बात पूरी करते हैं। ऐसी एक घटना और बाई के चरित्र में है। मीरा दीदी जिन, जो चंदा बाई जी जो भाभी जी को अपनी, उनकी मानस पुत्री, उनकी उन्होंने पाला उनको, यद्यपि चंदा बाई उनके भाभी जी के,
और कई संतानें थी, लेकिन वो उनको अपनी बेटी के समान उन्होंने अपने पास रखा, अपने पास पाला। तो ये महिला संघ में रहती थी और मीरा दीदी बहुत एकदम साहसी, और पूज्या रुक्मणी बाई महिला संघ में जब आई तो भाभी जी ने, चंदा बाई ने, उन्होंने सब रुक्मणी बाई के लिए जो वो उन्होंने बोला ऐसा मनोरथ होगा ऐसे, क्योंकि बाई के रहते तो भगवान का प्रत्यक्ष वहाँ ऐसा हो गया था सबके लिए। तो ऐसे में मीरा दीदी, उस समय की बात है, पूजा रुक्मणी बाई तो मना करती थी बाहर से डोनेशन लो तो 100 बार सोचो किसका पैसा है किसका धन है, और महिला संघ में खर्चे इतने बढ़ गए थे, कई माताएं भी रहने लगी थी, तो अब उसका खर्च कैसे चले। बाई के समय में भगवान की सेवा, राधा रानी की बरसाने वाली बोलते हैं वहाँ किशोरी जी को, तो बरसाने वाली की सेवा खूब बढ़ गई थी, अब खर्चा कैसे हो। तो किसी ने वहाँ सलाह दी कि पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र डोगरे जी महाराज की कथा करवा दो, धन की व्यवस्था हो जाएगी। देखो समाज कितना दुष्ट है, इस स्थान पे जब हम रहते थे, बात बता रहा हूँ आपको, कब की मेरे अभी तक याद है, 87 की बात होगी, 1987 की, यहाँ पे इसी घर में मुझे याद है, यहाँ विवेक विहार में, तब ये पूरा जंगल था, ये क्षेत्र पूरा जंगल, शालीमार गार्डन में हमने सामने का ये प्लॉट लिया था, उसी कीमत में 200 गज की कोठी मिल रही थी नाले पार में, तो ऐसे कहा जंगल में कौन जाके रहेगा, ऐसे हमारे घर वालों का कि वही 50,000 में ये प्लॉट लिया, 50,000 में वहाँ पे वो कोठी मिल रही थी, 200 गज की कोठी का प्लॉट। कुछ एक घर होते थे वहाँ डाकुओं की खबरें आती थी और यहाँ एनकाउंटर करने की जगह थी, ये रोड्स बनी नहीं थी, शिव चौक वगैरह मंदिर ही नहीं था, जगदम्बा मंदिर वगैरह, डीपो से लोग दिखते थे, ऐसा समय की बात बता रहा हूँ। इस घर के अंदर में मुझे अभी भी स्मृति में याद है, विवेक विहार उस समय बस रहा था, थोड़े ठीक से कॉलोनी हो गई थी धनाढ्य लोगों की, वहाँ सेठ जी थे नथमल जी अग्रवाल, हमारे पूर्वजों से उनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो नथमल जी अग्रवाल के उनके कोई सज्जन आए थे यहाँ बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ कथा डोगरे जी की करवाने के लिए कह रहे थे, पर ये महात्मा लोग तो ये लोग लाखों की मांग, इनकी डिमांड ये क्या, तो ये तो ये बाबा लोग क्या है, तो पैसा मांगते हैं, इतना इतना पैसा लेते हैं। तो मेरे बचपने के मस्तिष्क में बात बैठ गई कि देखो कोई ऐसे कोई संत हैं और जो कथा मांग का इतना इतना पैसा मांगते कि बेचारे लोग दे नहीं पाते लाखों लाखों रुपये। फिर बाद में मुझे ये पता लगा जिनके विषय में कह रहे थे वो महापुरुष, ऐसे महापुरुष थे, अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए भी उनके जो सुहाग की निशानी थी वो उस उन्हीं की कोई क्या कान का कुंडल था, उसे बेच के उनकी 13वीं की, वो जहाँ जाते थे लोगों को भोजन कराना पड़ता था, लाखों रुपए लगते इसलिए थे कि उनका आग्रह था कि सब भोजन करें, तो भोजन करवाने में और जो पैसा किसी ने चढ़ाया किसी ने लगाया वो पैसा वहीं का वहीं सारा का सारा छोड़ के चले जाते थे। तो संसार के लोग वास्तव में इतने दुष्ट हैं, किसी चीज़ को किस तरीके से मैनिपुलेट करके कहा जाता है, तो बोलो मैं तो जीवन भर यही मानता कि अगर कोई संत ऐसे, तो फिर मुझे पता लगा वो इतने पवित्र महात्मा थे, आकाश से पुष्प बरसे हैं उनकी कथा में, नेत्र बंद करके फूल भगवान की कथा कहना, अद्भुत महात्मा थे। तो उनके बारे में जो संस्था गरीब है, मान लो कोई कौड़ियों का हॉस्पिटल है, मान लो कोई अंधों की कोई जिनको वो होता है ना विद्यालय, अंध विद्यालय, तो उनका वहाँ कथा करा लो उनकी, लाखों रुपए आएंगे वो संस्था चल पड़ेगी। तो किसी ने कहा ऐसा, तो उनकी कथा करा लो तो महिला संघ का खर्चा चलने लगेगा, अब कथा कराए कौन,
उस समय गीता वाटिका में कथा हुई थी, तो वहीं पे अपने भीमसेन चोपड़ा जी थे, भजन मूर्ति थे, जिन्होंने भव्यव्या के पूज्य गुरुदेव को भाई जी से पहली बार आपके गुरुदेव ने लिखा कि मेरे को वाटिका में जप करते हुए भजन मूर्ति श्री भीमसेन चोपड़ा जी ने मुझे भाई जी के प्रथम दर्शन कराए। तो भीमसेन चोपड़ा जी ने कहा कि कथा कराओ, कथा की मैनेजमेंट यहाँ से पूछ लेना। तो मीरा दीदी को आगे किया कि तुम सबसे और एक्टिव हो, जाके तुम बात करो, सब जगह मैनेजमेंट की बात करना, पढ़ी लिखी थी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वाटिका में आके पूछा, सब बातचीत हुई। तो अनुमति बाबा से लिए बिना कैसे करें, क्योंकि भाई तो सब कुछ बाबा को ही मानती थी, भाई की तो अनुमति थी। और बोला बाबा से पूछा, तो बाबा भिक्षा के समय बैठे, वहीं से फिर गोरखपुर से वापस भागलपुर चले गए। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, भीमसेन चोपड़ा जी को बोला आप जाओ और इस कथा कराने में मदद करवाओ, और वहाँ कथा होगी, डोगरे जी से समय ले लो। तो रामचंद्र डोगरे जी महाराज से यहाँ डालमिया जी, शायद कौन डालमिया माता जी जो थी, उनसे बात हुई। तो डोगरे जी से बात कराने गए तो डोगरे जी महाराज ने क्या बोला, भाई 100 ऐसी वृद्धा माताएं, उनके सालाना एक साल की कम से कम 10,000 रुपए साल भर का खर्च होगा एक माता पे, 10,000 का। तो 100 में 10,000 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 10,00,000 रुपया हो गया, उस समय का 10,00,000 रुपया। तो उन्होंने कहा तब मैं कथा करता हूँ, उतनी माताओं के भजन का करोगे। अब मीरा दीदी तो घबरा गई, उन्होंने बोला हमारे पास एक माता का नहीं है, हम खुद अपनी संस्था के लिए इतने गरीब, हम का 100 का दिक्कत करेंगे, पैसों का अभाव चल रहा है, अब हम कैसे करें। तो उन्होंने डोगरे जी महाराज ने कहा पहला 10,000 हमारी तरफ से, ये लो अब 99 करना है खाली तुम लोगों को, फिर आ जाना मैं टाइम दे दूंगा। और जैसे तैसे डालमिया माता जी और से ये फिर मीरा दीदी वगैरह सब ने मिल के बातचीत की, कैसे कुछ लोगों की व्यवस्था हुई जो करे हम देंगे, इस तरह बात हो गई। डोगरे जी महाराज का आना तय हो गया कि भाई कथा करेंगे। वो बड़ा लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी मेरे थोड़ी थोड़ी स्मृति में है, थोड़ी थोड़ी से, इसलिए थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो चंद्रकांत भैया थे, सूर्यकांत भैया ना, सूर्यकांत फोगला जी श्री रसेंदु भैया जी के पूज्य पिताजी, तो श्री सूर्यकांत फोगला जी उनके छोटे भैया श्री चंद्रकांत फोगला जी, उन्होंने अपना ऑफिस दे दिया कि कलकत्ता में कथा करनी है। कहाँ हो, कलकत्ता का एक बड़ा मैदान जहाँ परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की रामायण होती थी, वहाँ लाख लाख लोग बैठते थे। बोले वहाँ करेंगे, डोगरे जी महाराज आएंगे तो कथा में भीड़ भी बहुत होगी। तो वहाँ भागलपुर में तो जगह है नहीं, वहाँ करेंगे कलकत्ता में, यजमान भी मिल जाएंगे, जुड़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो उनको मीरा दीदी वगैरह श्री चंद्रकांत जी को चंदू भैया कहते थे। तो बोले चंदू भैया ने अपना ऑफिस दिया, उस समय अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए अपना ऑफिस का काम छोड़ के वो सारा फ़ोन उनको यूज़ करवाते थे। एक टेम्प्रेरी ऑफिस एक साल के लिए बनाया गया कि वो कथा होगी, इतनी बड़ी कथा के लिए कितना बड़ा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कितने लोग ढूंढेंगे, आप कौन जुड़ेंगे, कैसे करेंगे। मीरा दीदी उनका कभी भागलपुर, कभी यहाँ, कभी उधर, कभी कलकत्ता, इतना उन्होंने मेहनत की। इसी बीच में वो बाबा के दर्शन करने पर बार बार निराश हो जाती, जो जुड़े हुए अमीर लोग पीछे से हाथ उन्होंने खींच लिया, भाई अब हम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कौन बड़ा एक आदमी आके भी बीच में आए बिना कैसे काम होगा। इसी बीच में और जा वो आए गोरखपुर, तो भीमसेन चोपड़ा जी को बाबा ने कहा अब इनके साथ जाओ, अब मीरा के साथ में रहो वहाँ पे, और अब इनकी मदद करो, अकेली बच्ची कैसे कहाँ तक कर पाएगी। तो बाबा भिक्षा के बाद बैठे तो बाबा ने कहा सुनो, ये लड़की 25,00,000 रुपया
25 लाख रुपया महिला संघ को देगी उस कथा से बचा के, पूरे 25 लाख, ऐसे बोलो। तो भीमसेन चोपड़ा जी ने कहा, बाबा यहाँ तो कथा के पैसों का ही बंदोबस्त रहा, लोग नहीं, जजमान नहीं मिल रहे, खर्च का बचने की बात, कॉस्ट पंडाल के लाखों रुपए लग रहे, पंडाल का पैसा नहीं है, 1 रुपया 5-6 हज़ार रुपये नहीं लोगों के पास में, आप कह रहे 25 लाख रुपया बचा के देगी, ऐसा कैसे होगा। तो बाबा ने बोला, चोपड़ा खोपड़ा, अपने तरीके से बाबा कहें, मैं हम कह रहे हैं 25 लाख, ऐसे बोला, चुप हो गए चोपड़ा। तब कृष्णचंद्र अग्रवाल जी के पास में जब मीरा दीदी गई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बाबा ने बोला, तो बोले बाबा बहुत भावुक संत है, उनका रस राज्य की बात है, वो प्रैक्टिकल राज्य कैसी बात करती हो, दीदी को सब डिमोरलाइज कर रहे सब। पर उन्होंने, बाबा ने कहा 25 लाख, तो वो हर जगह बोलते हमें तो 25 लाख बचेंगे, 25 लाख हम महिला संघ को देंगे। अब उन्हें इतना भरोसा है उनकी बात पे, अभी मैंने पहले सेठ जी की बात बताई, अब पूज्य बाबा की बात देखो। तो बोले बाबा ने कह दिया तो वो 25 लाख बचेंगे। अब वहाँ कलकत्ता गई, पूजा चंदाबाई जी के परिवार के बहुत धनाढ्य कई लोग जुड़े थे, उन्होंने बोला भाई हम आगे नहीं आएंगे, भाई पैसा देना पड़ जाएगा, इन टाइम लाख रुपये की बात है, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, सब जगह सब लोग बैकआउट हो रहे थे। इसी बीच जगह जगह सब लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजना, कथा के बारे में बताना, सारे दिन टाइपिंग करवाती बैठ के। अब एक व्यक्ति उस समय 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने वाला खोजा गया, जिसको हम जो टाइपिंग करना जानते हो, अब उसे महीने का खर्चा ऑफिस का, तो चंद्रकांत भैया ने अपना ऑफिस दे दिया, फ़ोन भी अपना यूज़ करने को दे दिया, अब वहाँ रहने की व्यवस्था भी वहीं हुई। अब बोले भीमसेन चोपड़ा जी, बोले हम सुबह निकलते और शाम तक ऐसे लगे रहते। पूज्या रुक्मणी बाई ने भी कुछ मंत्र दिए थे कि मीरा अगर तुम जाओ, कोई तुम्हें चला के बोले तो इनकार मत करना, 2-3 बातें ऐसे बताई थी उन्होंने। अब बाबा ने बोल दिया है तो जरूर होगी कथा। अब कथा का समय नज़दीक आ रहा था, इनके पास में कलेक्शन का नाम पे 50-60 हज़ार रुपया था, कथा का पंडाल और सब खर्चा मिला के कम से कम 10-15 लाख उस समय का। अब कथा होगी 9 दिन की कथा, उस समय परम श्रद्धेय पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का पंडाल लगा था, उसी के बाद इनकी कथा होनी थी। तो इन्होंने यह आग्रह किया, क्योंकि वो पंडाल लगने में लगभग 10 या 15 दिन का समय लगता, इतना बड़ा पंडाल कोई दूर तक लगाना, लाखों लोग बैठेंगे तो कई दूर तक का पंडाल होगा, तो उन्होंने बोले उसे लगाने में 15 दिन लग जाएंगे। तो बोले स्वामी जी महाराज वाले लोग हमारा पंडाल हमें दे दें। तो वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले थे, उन्होंने साफ बना कर दिया कि हम तो सारा पंडाल उखाड़ के ले जाएंगे, अब नए से सारा पंडाल कैसे लगेगा, कथा होनी उसकी 5-7 दिन बाद में, उसमें उन्हीं 4-5 दिनों के गैप में कैसे पंडाल लगेगा, कोई मान नहीं। बोले कथा मान लो कैंसिल है, उन्होंने बोला नहीं, पंडाल भी नया लगवाएंगे, उनके लोगों से बात की, उसने बोला मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है, जिस पंडाल वाले ने बोला, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कथा का समय। उधर से अचानक एक परिवार, एक सज्जन जो शायद भाभी जी के संबंध में थे, कोई रिश्ते में देवर या कुछ लगते थे उनके, उन्होंने बोला कि अगर मेरे घर डोगरे जी महाराज आए तो मैं पहला जजमान बनने को तैयार हूँ। अब पहला जजमान चाहिए कई, लगभग 100-200 जजमान तो हूँ, पर आगे बढ़ के मैं बनूंगा, मेरे घर रोकना पड़ेगा संत जी को। तो उन्होंने बोला हाँ हम तैयार हैं। तो कितने बड़े संत को अपने घर में ठहराने का क्रेज होती है ना, ठीक है। अब इनके पास व्यवस्था नहीं रुकवाने की भी, तो कह रहा है एयरपोर्ट से मैं लेके आऊँगा। अरे वाह, तुम्हारा काम हो जाएगा एयरपोर्ट से, हमारे गाड़ी अलग से, एक विशेष गाड़ी के, इनके पास गाड़ियाँ सब है। अब उनके घर में उन्होंने देखा, उनके घर का डबल फ्लोर स्टोरी का, उन्होंने बोला एक ऊपर का बहुत आलिशान बना हुआ था, उसमें उनका मैं रहा भी नहीं हूँ, पहला पदार्पण डोगरे जी महाराज का होगा। उन्होंने बोला महाराज जी के आने की व्यवस्था तो हुई, अब 4-5 दिन में महाराज जी आने वाले, इधर से स्वामी जी महाराज का पंडाल हटा, ये पंडाल लगना शुरू हुआ, तब तक तो खंभे नहीं गड़े थे। उन्होंने बोला कौन करेगा, 4-5 दिन में वो लगे रहे, फिर 4-5-10 लोगों, किसी ने आश्वासन दिया, कौन वो जुड़े, अच्छा ठीक है मैं भी कुछ राशि दूंगा। धीरे धीरे बात हुई, ढाई
3 लाख रुपए तक की बंदोबस्त तक पहुंच गए, पर भी 15 लाख रुपए का खर्चा करना है, फिर ऊपर से 25 कैसे बचेंगे? अब ये बड़ी चिंता। अब उन्होंने लगा तभी कलकत्ता की अब पंडाल कैसे लगे, एक स्वयंसेवी एक 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 स्वयंसेवी संगठन वाले कुछ ऐसे जुड़े थे, एक लड़का अचानक आया, उसने मीरा दीदी से कहा दीदी की तो चप्पल पहने बिना इधर घुमा करती थी चारों तरफ। तो उन्होंने बोला दीदी मैंने पंडाल डेकोरेशन पंडाल वंडाल काम मेरे बहुत अच्छा आता है, और हमारे सब दोस्त वोस्त यार वार वो कथा हो रही है महाराज जी की, तो हम कुछ करें, हमें बहुत अच्छा ये सब जल्दी जल्दी और कालीन बिछवाना और ये बंबू गाड़ना और ये सब काम हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो बोले मैंने बहुत काम किया, आप बोलो तो मुझे सर। तो उनके साथ जुड़े 50 लड़के सैकड़ों लड़के लग गए धुराधड़ धुराधड़ पंडाल बनाने। अब कल कथा है, अगले दिन तक कालीन नहीं बिछा है, रात भर काम चलता, दिन भर काम चलता, बस कबले आप हमें चाय पिलवाने का काम करा देंगे। हाँ, फिर अचानक बोले झाड़ू कैसे मारे इतने दूर के पंडाल में? तो जो भाई स्वीपर भाई है ना, उनके संस्था से कुछ लोग बोले आप हमारे इतना करवा दो, हम सत्संग में सेवा देंगे। तो झाड़ू मारने वाले आ गए, इतने झाड़ू, जब सुबह महाराज जी कथा तो पंडाल का बहुत बड़ा हिस्सा लगने में बाकी था, महाराज जी के आने का समय हो रहा था। अगले दिन रात को भी खूब बांधा गया पंडाल, और फिर जब डोगरे जी महाराज का पदार्पण हुआ कथा में, तो पूज्य रुक्मणी बाई वगैरह को सामने कुछ लोगों को स्टेज पर करके हम स्टेज को पेश करेंगे, हम माइक पे बोलेंगे ऐसे से पूज्य श्री डोगरे जी महाराज ने तब मीरा दीदी को कहा तुम भी स्टेज पे आया करो। पूज्य रुक्मणी बाई भाभी जी वगैरह सब सामने बैठे थे, कथा प्रारंभ हुई। अब कथा का रस ऐसा बरसा जो पूरे थे ना वो, अब उन सज्जन ने कितने लोगों से अचानक अचानक बात शुरू हुई, कथा के होने के दरमियान मैं आऊँगा, मैं पैसे दूंगा, मुझे भी देना है, मुझे भी, अब सबको आ गया नहीं कि मुझे आरती के लिए बुलाओ, ऐसे करो महाराज जी के पास मैं जाऊँगा, महाराज जी का नाम बहुत बड़ा था। अब उनके पास आने की होड़ में तब पता लगा कि भाई लोगों की बात होने लगी। इधर चंदू भैया ने बोला कि मीरा दीदी से पैसा कितना है, तो उन्होंने बोला अभी तो हमारे पास 3.5 लाख रुपये। उन्होंने बोला जानती है 15 लाख रुपये मजाक की बात है? बोला मेरे पास एक भी तकादे वाले का फ़ोन नहीं आना चाहिए, कोई यहाँ नहीं घुसना चाहिए, बाबा ने बोला 25 लाख बच जाएंगे और तुमने मान लिया, हम बाबा की गोद में खेले हैं, हमसे तुम बाबा को जानते हो? उन्होंने बोला नहीं बाबा, भाव जगत में रस राज्य में रहते हैं, तो उस बात को तुम तो इससे जोड़ के बैठ गए। अरे महापुरुष है, कह देते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए, कह देते हैं भाई उत्साह की बात है। फिर तो उन्होंने बोला भैया आपके पास कोई तकादे वाला नहीं आएगा, 3.5 लाख से कब 9 दिन की कथा जब पूरी हुई वहाँ के श्रोताओं में अद्भुत हुआ। तो आप जानते हो वहाँ का पूरा 15 लाख का पेमेंट करने के बाद में 25 लाख और 25 लाख में 2,300 रुपये एक्स्ट्रा थे, 2,300 रुपये एक्स्ट्रा, 2,300 ऐसे कुछ रुपए एक्स्ट्रा थे। तो अब ये बात बोली उन्होंने कि भाई पैसा गिना, तो 2,300 रुपये का पेमेंट, किसी का फोन आया अगले दिन ही कि भाई मेरा पता नहीं कार्ड का इनविटेशन कार्ड किसका पेमेंट हमारा बाकी रह गया, तो हमें 2,300 रुपये दे दो। तो मांगे अंत में कितने पैसे बचे? 25 लाख रुपये, 1 रुपया भी ऊपर नहीं, 1 रुपया नीचे नहीं, 25 लाख रुपये उन्होंने महिला संघ को दिए। अब ये बाबा के शब्दों का कमाल था और उनके श्रद्धा का, महापुरुष तो बोल देते क्या ही होगा, ऐसे कह के हम महापुरुष की वाणी को तो हमने ही मना कर दिया कि इससे क्या होगा, फिर नहीं आएंगे 25 लाख या 25 पैसा नहीं आएगा। उन्होंने बोल दिया और आपने मान भी लिया, उन्होंने बोला और आपने माना, उन्होंने बोला 6 महीने में सेठ जी कह रहे कि ये हो जाएगा। तो पूजा चंदा भाई जो भाभी जी थे उन्होंने मान लिया कि आएंगे, तो ये बात पक्की है। हम तद अनुरूप स्वीकार तो करें, वो तो रेडी है बेटे। तो जो वचन है वो अपने आप में उसको
अपने आप को सत्य साबित कर देते हैं। हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी वाणी को, कितने अंश तक हमारे हृदय में उन उस बात को लेकर विश्वास है, खुद हमारे पर भी तो निर्भर करता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, संतों की वार्ता और वाणियाँ तो आप सुनते हो, लेकिन उसे पक्का मन से मान के कि भाई नहीं, अब ये डरेगा नहीं, समझ रहे। जय जय श्री राम। फल झंझावा तुम्हें तू बन अतल हिमवान रे मन कबल झंझावा तुम्हें तू बन अचल सूझती हो नहीं अवनी, डूबती हो नहीं रजनी, बड़ा इसकी एक बड़ा सुंदर भाव था कि भीषण झंझावात हो उसमें तुम हिमवान के समान, इसमें मिल गया। ये हमने बचपन में गाया था। अरे वाह। हो बनी गंभीर रजनी सूझती हो नहीं अवनी, हो बनी गंभीर रजनी सूझती हो नहीं अवनी, धल न अस्ताचल अतल में बन सुवर्ण विहान बता दूं। हो मनी गंभीर रंजनी रात बहुत अंधेरी हो, सूझती हो नहीं अवनी, धरती न दिखती हो अवनी मत धरती, धल न अस्ताचल अतल में, जहां पे उस अस्ताचल जहां सूर्य अस्त होता है, धल न अस्ताचल अतल में तो धल मत, अस्ताचल में जाके उस समय भी ढलना नहीं, बन सुवर्ण विहान रे मन तो स्वर्ण पंछी बनना, जाना उड़ना तब भी, उठ रही हो सिंधु लहरी भीषण समंदर की लहरें उठ रही हो न मिलती था गहरी, इतना गहरा समंदर जिसकी था न हो, नील नीरधि का अकेला उस नील नीरधि में अकेला बन सुभग चलियान रे मन, उस समय तो जहाज बन के अकेले समंदर में तैरने के लिए तैयार रहना। और ये मेरे जी, उन्होंने मुझे बचपन में कई संगीत सिखाए, वो कई उन्होंने मुझे गीत ओहरे ताल मिले नदी के जल में, और भगवान शिव का भी एक स्तोत्र, तो वो मार्शल आर्ट के बहुत अच्छे योद्धा थे, और उन्होंने कई आसपास के देश के लोगों को भी हराया था। ताइक्वांडो का जिम क्या बोलते हैं, ताइक्वांडो होती है ना, तो उसका यहाँ था गाजियाबाद में, और दिखने में वो मतलब उस समय उनके लोग क्रेज होती थी, बहुत खूबसूरत व्यक्ति, बहुत ही सुंदर। मुजफ्फरनगर के 7 जुलाई कृष्णा प्रभु वाले जन्मदिन था, तो
एक हम शिविर में साथ ही रहा करते थे, मैं बौद्धिक में होता था, वो फिजिकल उस वाले में जो जितनी एक्टिविटीज होती है ना जिनमें और जूडो युद्ध वगैरह जिसे बोलते हैं सब उसमें वो होते थे, पर वो जो संगीत में हम साथ बैठते थे तो बौद्धिक के लिए मुझे बोला था बोलने के लिए, पर भी मैं उन जैसा नहीं गा पाता था। उन्होंने ये सिखाए थे मुझे और इनका मीनिंग बताते थे बड़े अच्छे बैठ के, और वो मतलब रामचरित मानस और पता नहीं कहाँ कहाँ चौपाइयों से उत्तर दिया करते थे। तब मैं मानस जी वाला तो नहीं था पर देश राष्ट्र की तो बातें मैंने बहुत गहरे गहरे खोज के रखी थी। कमल कलियां सकुचती हो, रश्मियां भी मचलती हो, कमल कलियां सकुचती हो, रश्मियां भी मचलती हो, तुषार कुहार गहन में बन मधुप की मान रे कमल कलियां से कुछ रही हो, रश्मियां भी मचलती हो, तू तुषार कुहा गहन में, तुषार मतलब कोहरा होता है, तू उस गहन कोहरे में भंवरे की तान दे रहा है, वन मधु की तान दे मन, जो कमल के खुलने का इंतजार कर रहा है। सही है, इस तरीके से हमने ये पुराने लगभग 30 वर्ष पुरानी याद को ताजा किया। जय जय, ये मैंने 94 में सीखा। जय जय श्री राधे लाडली।